अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग संयुक्त मोर्चा किरानापुर के अधिकारी और कर्मचारियों ने क्षेत्रीय विधायक हीना कावरे को ज्ञापन सौंपा। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग संयुक्त मोर्चा की राज्य इकाई के बैनर तले अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मोर्चा 22 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। अभी हमारे साथ वर्तमान में 18 संगठन से ये मांग निकली थी और सभी के अपनी अपनी प्रमुख और जायज मांगे थी। उसमें से सभी की जो मांगे हैं उसमें से हमारे सचिव की जो मांगे हैं वो पंचायत ग्रामीण विकास विभाग में सहूलियत और जो छठवां वेतनमान की जो गणना की जा रही है वो नियुक्ति दिनांक से होना चाहिए, ऐसी कुछ मांग हमारी है। इसी प्रकार हमारे जो GRS साथी हैं उनकी प्रमुख और मांग है वो है नियमितीकरण को लेकर कि उन्हें नियमितीकरण किया जाए। ऐसे सभी अमले की हमारी अपनी अपनी मांगे हैं जिसके बारे में शासन को पूर्व से अवगत है और पूर्व में हमने ये सब चीज़ें रख चुके हैं, लेकिन हमें सिर्फ आश्वासन मिला है, आश्वासन के सिवा हमें कुछ नहीं मिल पाया है। और वर्तमान में जो हमारा उद्देश्य है इस अनिश्चितकालीन हड़ताल को लेकर, हम तब तक यहाँ से हड़ताल से नहीं उठेंगे जब तक हमारे जायज मांगे पूरी ना हो। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत TV को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।